के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला और कहा, पड़ोसी को हराने में हमें 10 दिन भी नहीं लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनसीसी के युवा कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मोदी ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया और कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि घाटी में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, पड़ोसी देश भारत से प्रॉक्स वॉर लड़ रहा है। आजादी के बाद से ही कश्मीर में समस्या बनी हुई है। तत्कालीन सरकारों को घेरते हुए पीएम ने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 अस्थाई था तो उसे हटाया क्यों नहीं गया। पड़ोसी देश को हराने में 10 दिन भी नहीं लगेंगे। क्या कश्मीर को ऐसे ही चलने देते जैसे वो चल रहा था? साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थाई है। संविधान में भी यही लिखा गया कि अस्थाई है, लेकिन दशकों बीत गए, संविधान में जो अस्थाई था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वजह वही थी, सोच वही थी, अपना हित, अपने राजनीतिक दल का हित, अपना वोट बैंक। क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते रहते, जिसमें तिरंगा का पान होता रहता और सरकार तमाशा देखती रहती? जी नहीं, कश्मीर भारत की मुकुटमणि है। कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि थके हुए लोग युवा सोच नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पढ़ेंगे भी और देश के लिए कुछ करेंगे भी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग समस्या में सुधार नहीं होने देना चाहते हैं। काम को टालने वाले लोगों के लिए कभी कल नहीं आता है। आपको सभी जगह ऐसी सोच वाले लोग मिलेंगे। कब तक हम पुरानी कमजोरियों को पकड़ कर बैठे रहेंगे? उन्होंने देश के युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज का युवा देश बदलना चाहता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।